हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? देखिए, अस्ट्रॉ इन द विल वर्ल्ड, तो ये क्या है? ये इजराइल और आपका हमास के बीच जो चल रहा है, देर इज अ वे आउट, क्या है? देखते हैं। हमास अटैक ऑल्सो प्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी टू रिवाइव द अरब पीस इनिशिएटिव, तो देखते हैं क्या है। जस्ट अ सेकेंड। ऑन अक्टूबर 7, अटैक इन इजराइल बाय हमास सेल अ मेजर डिफीट फॉर इजराइल एज वेल एज फॉर द एफर्ट्स एट नॉर्मलाइजेशन एंड पीस इन द रीजन। फॉर इसराइल द फेलियर इन्वॉल्व्स पुअर इंटेलिजेंस एंड इनएडिक्वेट मिलिट्री प्रिपेडनेस। मोर इम्पोर्टेंटली, द कंट्रीज रेप्यूटेशन ऑफ मिलिट्री इनविंसिबिलिटी हैज़ बीन शैटर्ड। इनविंसिबिलिटी, जिसको कभी हराया ना जा सके। हम लोग जैसे मानते थे, आप देखिए, ये इसराइल है, तो इसराइल का जो आयरन फिस्ट एयर डोम सिस्टम था, हम लोग ये सोचते थे कि इसके ऊपर अटैक नहीं होगा, और ये छोटे से जगह गाज़ा ने इतने बम मारे कि पूछो मत। बम क्या मतलब, रॉकेट्स मारे। फिर भी अगर 5,000 रॉकेट मारे हैं इन्होंने, तो उसके 90% तो इन्होंने डिसेबल कर दिया, हवे में ही फोड़ दिया इसराइल ने। तो ये ऐसा नहीं है कि इनविंसिबल नहीं है, पर हाँ, थोड़ा सा इनको परेशानी हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। अब यहाँ पर लड़ाई हो रही है। अब आपने देख लिया इसराइल का लोकेशन ये है, ये आपका वेस्ट बैंक हो गया यहाँ पे, और इसराइल गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में आपके पैलेस्टीनियन रहते हैं। यहाँ पे आपका सीरिया, ये जॉर्डन, नीचे में सिनाई पेनिनसुला जो है आपका इजिप्ट का, और यहाँ पे आप देखिए लेबनन है, इसके बगल में आप देखिए इराक, ये जॉर्डन के बगल में यूएई। तो ये हमारे लिए एक लोकेशन था, और इधर में इसराइल के क्या है, मेडिटेरेनियन सी है। तो चलिए एक बार आर्टिकल देखते हैं अपना। इसराइल इज नाउ रिस्टोरिंग टू अ मैसिव अटैक, रिसोर्टिंग टू अ मैसिव अटैक ऑन गाजा टू ट्राई रिस्टोर द डिटरेंस इट वंस एंजॉयड। येट इट इज फार फ्रॉम सर्टेन दैट इट कैन अकम्पलिश दिस इवन इफ गाजा इज डिस्ट्रॉयड एंड रीऑक्यूपाइड। क्यों, देखते हैं। फर्दर मोर, इट इज़ हार्ड टू सी हाउ प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू विल सर्वाइव पॉलिटिकली गिवन द लॉस ऑफ द सिविलियन इजराइली लाइफ एंड द लार्ज नंबर ऑफ इजराइली हॉस्टेजेस नाउ इन द हमस हैंड। ऑफकोर्स द पैलेस्टीनियंस आर ऑल्सो लूजर इन दैट दिस अटैकिंग इज नॉट गोइंग टू गेट देम एनी क्लोजर टू द एस्टेब्लिशिंग देयर स्टेट और टू लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ इसराइल। तो वो चीज़ बोला जा रहा है कि हमस क्या सोच के कर रहा था, क्या ये करने से उसको स्टेटहुड मिल जाएगा या इसराइल को डिस्ट्रक्ट कर देगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, पता ही था इसराइल वापस से रिटेलिएट करेगा, और बहुत हार्ड वे में रिटेलिएट करेगा। विच इज़ हमास एम, तो इसका एम क्या है? वॉट विल हैपन इंस्टेड इज द मोर मिजरी एंड वायलेंस विल बी हीप्ड ऑन द पैलेस्टीनियन इन द रिटेलिएशन बाय इसराइल। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो बहुत अच्छे तरीके से रिटेलिएट इसराइल करेगा, और वो कर रहा है। दस द सर्कल ऑफ वायलेंस कंटिन्यूज अनअबेटेड एंड विथ ग्रेटर फिरोसिटी इन द मिडल ईस्ट एंड विथ नो विनर ऑन एनी साइड। बट वाई डिड द अटैक हैपन नाउ एंड वॉट वर द इंटेंडेड गोल्स, क्या थे इसके इंटेंडेड गोल्स, और ये अभी क्यों, इतने दिनों से क्यों नहीं? तो देखते हैं। देर आर टू इमीडिएट रीजन वाई दिस अटैक टुक प्लेस। फर्स्ट, क्या है पहला अटैक का रीजन इनका, चलिए देखते हैं। हमास हैज बीन कम्पीटिंग विद द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी पीए फॉर द लीडरशिप ऑफ द पैलेस्टीनियन कॉज एंड द सक्सेस ऑफ दिस अटैक इन वन वे टू अचीव दिस। द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इज ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ द पैलेस्टीनियन दैट साइन ऑफ टू ऑस्लो पीस अकॉर्ड विद इसराइल विच नेवर रिजल्टेड इन प्रोमिस्ड पैलेस्टीनियन स्टेट। फर्दर मोर, द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इज रिडल्ड विद करप्शन एंड मिस गवर्नेंस एंड बिकॉज इट हैज़ रिस्ट्रिक्टेड पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस टू ऑक्यूपेशन इट इज सीन एज कम्प्लिसिट विद इसराइल एंड देयर फॉर हैज लॉस्ट मच ऑफ इट्स लेजिटिमेसी। वॉट एवर द फेट ऑफ हमास इन गाजा देर इज नो क्वेश्चन ऑन नो क्वेश्चन नाउ दैट इट लीड द पैलेस्टीनियन एफर्ट ऑफ लिबरेशन एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। द सेकेंड, अब यहाँ पे सेकेंड रीजन देखिए। यहाँ पे पहला रीजन इन्होंने क्या दिया है, फर्स्ट
फर्स्ट रीजन इन्होंने दिया है आपका हमस वर्सेस पेलेस्टीनियन अथॉरिटी। तो वो पेलेस्टीनियन ऑफिशियल अथॉरिटी है जिसने क्या साइन किया था आपका, ओस्लो अकॉर्ड साइन किया था। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेकेंड रीजन क्या है देखते हैं, इज दैट द एफर्ट बाय हमास एंड विद ईरान सपोर्ट एंड गाइडेंस टू एंड द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन बिटवीन इजराइल एंड द गल्फ अरब स्टेट स्पेशली विद सऊदी अरेबिया। तो जैसे आप देखिए सऊदी अरेबिया और इजराइल के टाइज आपके स्ट्रेंथन हो रहे थे अभी, तो ये इन्होंने सेकेंड रीजन दिया है। रिसेंटली अंडर प्रेसिडेंट जो बाइडन स्टेटवर्टशिप द सऊदी एंड इजराइलीज वर इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएटिंग अ पीस एग्रीमेंट। हैड दिस बीन अकम्प्लिश्ड दिस वुड हैव क्रिएटेड अ न्यू अलायंस बिटवीन द गल्फ स्टेट्स एंड द इजराइलीज अगेंस्ट ईरान्स एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। तो आप देखिए ये एक पावर सेंटर यहाँ पे चेंज कर देते, कैसे क्या हो जाता है वहाँ पे नया पावर सेंटर क्या होता है, न्यू अलायंस बनता है किसके बीच में, गल्फ स्टेट और इसराइल के बीच में। तो यहाँ पे आप देखिए ईरान अलग हो जाता, ठीक है, इन द रीजन थोड़ा सा ईरान का पावर यहाँ पे कम होता टू इसराइल एंड ईरान पावर इन द रीजन, ठीक है। विथ दिस अटैक्स एंड द लाइकली डिवास्टेटिंग रिप्रिसल बाय इसराइल अगेंस्ट द पैलेस्टीनियन इट इज लाइकली दैट एनी पीस एग्रीमेंट कैन बी रीच्ड सून। तो इसके बाद तो नहीं लग रहा भाई कोई पीस एग्रीमेंट होने वाला है, और पीस एग्रीमेंट करने के लिए लोग बचेंगे हमास में तब ना, इसराइल तो नहीं छोड़ रहा भाई, घने तरीके से सूत रहा है इसराइल। अब देखते हैं क्या है, द सऊदी गवर्नमेंट विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू मेक पीस विथ अ कंट्री दैट इज़ पमलिंग एन अरब पॉपुलेशन दैट इज़ वाइडली व्यूड अमंग द फेलो अरब एज हैविंग being denied its right and living under brutal Israel occupation। तो यहाँ पे आप देखिए पैलेस्टीन में यहाँ पे अरब्स रह रहे हैं, यहाँ पे अरब्स रह रहे हैं, तो इसराइल रिटेलिएट करेगा, करना भी चाहिए। अब यहाँ पे अरब ख़त्म हो रहे हैं, और अभी इसराइल और यूएई की हम लोग बात कर रहे थे, जो बाइडेन गवर्नमेंट जो है यहाँ पे नॉर्मलाइज कर रही थी टाइज को, ठीक है। अब जब यहाँ पे ये अरब है, इसराइल इनको मार रहा है, तो यहाँ पे जो अरब है क्या इनको बुरा लगेगा, इनका मुंह बनेगा, बोलेगा अरे क्या कर दिए यार तुम। अब इसराइल तो यहाँ पे कर रहा है, और ये अरब यहाँ पे ये तो गायब है यहाँ से, इनका तो अब इसराइल मुंह नहीं खोलने दे रहा है। तो जो ये नॉर्मलाइजेशन का टाई हो रहा था इसराइल और यूएई के बीच में, शायद अब वो ना हो। अभी मैं आपको बताऊंगा इसका इम्प्लीकेशन, ईरान की हम लोग बात क्यों कर रहे हैं। वॉट ऑल दिस स्पेल फॉर द मूवमेंट एट लीस्ट इज द विक्ट्री ऑफ ईरान एंड हमास विजन ऑफ वायलेंस रेजिस्टेंस एज अपोज टू दैट ऑफ सऊदी एंड एमिरेट्स विच हैज इम्फेसाइज्ड फेज स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी, येट बोथ विजन्स आर फ्लॉड बिकॉज दे आर ईच बाइंड बाय एन ऑब्वियस रियलिटी। On one hand, the eliminationist objective of Iran and Hamas, which is the destruction of a state of Israel, is never going to be achieved for a simple reason that Israel is too strong and is backed by all Western nations, especially the US. तो ये लोग सोच रहे थे इसराइल को ये लोग खत्म करेंगे। पहली बात तो इसराइल बहुत स्ट्रांग है, दूसरी बात इसके पास वेस्टर्न सपोर्ट है, तो इसराइल तो ना हो सके भैया खत्म। नोट the unconditional support that America has offered in response to the attack. On the other hand, the Arab Gulf approach has not sufficiently emphasized, indeed insisted, on the creation of a viable Palestinian state as a necessary condition for a lasting peace. So long as the Palestinians live and suffer under Israeli's occupation and are denied their rights to self-determination, there cannot be peace. There will be spoilers such as Iran and Hamas who will make sure of this as we are now witnessing. तो वहाँ पे साफ बोल रहे हैं कि जैसे अरब्स को इसराइल थोड़ा प्रोसिक्यूट करता है, तो जैसे अरब वर्ल्ड के बीच में, अरब वर्ल्ड यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं यूएई और इसराइल के बीच में जैसे नॉर्मलाइज टाइज हो रहे थे, तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया हो गया, तो टाइज जैसे नॉर्मलाइज हो रहे थे आप देखिए, तो यहाँ पे किसको, ईरान को प्लस हमस को,
अच्छा नहीं लग रहा था, तो कह रहे थे भाई हम भी तो अरब है, हमें मार रहे हो वहाँ पे, टाई नॉर्मलाइज कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे ख़राब ये लोग खुद ही कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अमेरिका इसके सपोर्ट में है, ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे सऊदी अरब एमिरेट्स जो है उन लोगों के साथ, इन लोगों के रिलेशन अच्छे नहीं है इसराइलीज के, पर वो अभी नॉर्मलाइज होने थे। पर आप देखिए ये हमास के इंसिडेंट के बाद, अभी आप सिंपल सोचो ना, अब ये लोग गेम क्या खेल रहे हैं, रिलीजन का खेल रहे हैं। इन्होंने उसको इंस्टिगेट किया इसराइल को कि तुम आके अरब को मारो, अब वो अरब को मारेंगे और दूसरे अरब के साथ वो जा रहे ट्रीटी करने, वो कैसे होगा, तो यही नहीं होगा। सऊदी अरेबिया अंडर द लेट किंग अब्दुल्ला मेड एन ऑफर टू इसराइल इन 2002 इन द नेम ऑफ ऑल अरब स्टेट विच इज़ कॉल्ड द अरब पीस इनिशिएटिव। दिस ऑफर कैन बी ओनली बेसिस ऑफ अ लास्टिंग पीस बिटवीन इसराइलीज एंड पेलेस्टीनियंस एंड विल रिक्वायर द क्रिएशन ऑफ पेलेस्टीनियन स्टेट ऑन द लैंड ऑफ इसराइल ऑक्यूपाइड इन द सिक्स डे वॉर ऑफ 1967। इन रिटर्न इसराइल वुड बी फुल्ली रिकोगनाइज एंड एक्सेप्टेड। इट इज़ द रिजेक्शन बाई इसराइल ऑफ दिस ऑफर, स्पेशली बाई द प्रेजेंट राइट विंग गवर्नमेंट विद द एनेक्सेशनिस्ट एम्स ओवर ऑल लैंड। तो ये बोल रहे भाई पूरा तो अपना ही है, हम एक एक हिस्सा नहीं देंगे, इसराइल का ये कहना है। पावर है तो वो लोग पावर असर्ट कर रहे हैं, अपना दिखा रहे हैं। तो ठीक है, वाइल अंडरस्टैंडेबल द वायलेंट रिटेलिएशन बाई इसराइलीज अगेंस्ट हमास इन गाजा विल नॉट हेल्प रिजॉल्व मैटर, बट रेदर इट विल ओनली वर्सन द सिचुएशन एंड प्ले इन टू हैंड ऑफ द स्पॉइलर ऑन द साइड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। कूलर हेड मस्ट प्रिवेल एंड थिंक ऑफ लॉन्ग टर्म। दिस अटैक प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी दैट कैन बी सीज बाय द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, सऊदी अरेबिया एंड द मोर सेंट्रिस्ट पॉलिटिशियन इन इसराइल। एंड दिस इज टू रिवाइव द अरब पीस इनिशिएटिव, बिकॉज ओनली बाई क्रिएटिंग द पेलेस्टीनियन स्टेट कैन देयर बी द होप ऑफ सीइंग दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड। पीस प्रिवेलिंग एंड द एफर्ट्स ऑफ वायलेंट स्पॉइलर थ्वार्टेड। विदाउट दिस यू कैन बी श्योर दैट देर विल बी मैनी मोर राउंड्स ऑफ वायलेंट कन्फ्रंट्रेशन आफ्टर दिस वन एंड्स। तो देखते हैं अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है। जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है, लोकेशन। आप देखिए हमारे लिए लोकेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेकंड आप देखिए हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये इसमें आप देखिए हमास प्लस ईरान प्लस पलेस्टीन प्लस अरब वर्ल्ड प्लस रशिया, ये लोग एक तरफ है। ठीक है, अब आप इसमें थोड़ा बहुत चाइना को आप डाल दीजिए, पाकिस्तान को डाल दीजिए, और इन लोग को डाल दीजिए न्यूट्रल इंस्टांस पे। ठीक है, न्यूट्रल बनाइए इन दोनों को, एटलीस्ट इन दोनों को। वर्सेस क्या हो रहा है, ये आप देखिए इसराइल प्लस ईरान, अरे ईरान कह रहा हूँ, वेस्टर्न वर्ल्ड, पूरा का पूरा वेस्ट वर्ल्ड, स्पेशली यूएस। अब यूएस के साथ आप यूके लिखिए, आप फ्रांस लिखिए, इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, आपके फ्रांस के लीडर हैं इमैनुअल मैक्रोन, ये हो गया आपके वेस्टर्न वर्ल्ड, और कहीं ना कहीं इंडिया। ऐसा कोई वर्सेस नहीं हो रहा है, मतलब मैं वर्सेस बस एक डिनोट कर रहा हूँ कैसे ये चीज़ें इन लोगों के बीच में ख़राब है। अभी रिसेंटली मैं आपको समझा रहा हूँ हुआ क्या था, कि अपना कॉरिडोर लॉन्च हुआ है, ठीक है, कहाँ से, इंडिया से यूरोप के बीच में। ठीक है, अब इसमें आप देखिए सऊदी अरेबिया यूएई के बीच में किसके साथ वो लोग नॉर्मलाइज कर रहे थे, टाई इसराइल के साथ। जब ये टाई नॉर्मलाइज हो जाएगा तो हमस ने क्या किया, वो डिसएडवांटेज पोजीशन पर आ जाएगा। आप देखिए मैं अगर इसराइल को ऐसे बनाता हूँ, हमस यहाँ पर है आपका, इसने अटैक किया, ये रिटेलिएट कर रहा है, आपका यूएई जो है यहाँ पे अरब वर्ल्ड आ गया। अब जब इसराइल हमस को मारेगा, अरब वन को मारेगा, तो क्या अरब वन, अरब टू,
उसके सपोर्ट में नहीं आएंगे, ये तो इसी को सपोर्ट करेंगे ना, रिलीजन रिलीजन खेलेंगे। तो यही चीज़ है बस, ये इसीलिए पीस ट्रीटी यहाँ पे साइन नहीं हो रही है कोई। अब देखिए, एक ओस्लो पीस अकॉर्ड है अपना, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और एक अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक ये 6 डे वॉर था इस टाइम का, ठीक है, एक अरब पीस इनिशिएटिव हमने देख लिया, एंड आप देखिए इसमें और क्या है हमारे पास, बस इतनी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहती है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने दिमाग में होनी चाहिए, हमें पता चलना चाहिए क्या जियोपॉलिटिक्स चल रहा है आसपास हमारे, और हमें बस इसके साथ कोप अप करते रहना चाहिए। इंडिया का स्टैंड हमें पता होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साफ कह रहे हैं टेररिज्म के खिलाफ है इंडिया स्टैंड विथ इसराइल, और क्यों ना करे, कारगिल में इसराइल ने इंडिया की हेल्प की थी, तो भाई जो हमें हेल्प करेगा हम तो उसी की हेल्प करेंगे। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।